हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, हॉट वुड क्या है और सैप वुड क्या है। ठीक है, जब किसी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, जब किसी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो होता क्या है, उसका स्टेम जो है वो उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है ना, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। और ऐसा होता कब है, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कौन से प्लांट में, मोस्टली डाइकॉट्स प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, ऐसे याद रखो। और डाइकॉट प्लांट में कुछ एक दो एक्सेप्शन है, बाकी सब में ही सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने का मतलब है उसका जो स्टैम था ना, वो बिकम अ वुडी, पूरा जो पहले प्लांट था वो ट्री बन गया है, एंड जो उसका स्टैम वाला पार्ट है इज बिकम वुडी। अब क्या होगा, वहाँ पे जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक बात आप याद रखना, वहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम्स एंड सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन हो जाता है। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, पूरी अंदर का जो अंदर जितनी भी खाली जगह होती है उसको भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं सेकेंडरी जाइलम, और बाहर से थोड़ा आउटर से सेकेंडरी फ्लोएम कवर करने का काम करते हैं। इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ एक डाइकॉट में परफॉर्म हो जाती है। इस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी ग्रोथ। जिस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसी प्लांट में ही तो आपको वुड मिलेगा, उसी प्लांट में ही लकड़ी मिलेगी। ठीक है, अब ये सैप वुड क्या होती है और हार्ट वुड क्या होती है। बहुत सारे लोग इसको हार्ट वुड की जगह हार्ड वुड समझते हैं, एक्चुअली ये हार्ड होती है, नेम है इसका हार्ट वुड। बहुत सारी शॉप्स पे, फर्नीचर शॉप पे आपने लिखा हुआ देखा होगा हार्ड वुड, ये वाली वुड की बात कर रहे होते हैं। अब हार्ड वुड होते कहाँ पर है, अगर आप पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि है कैसी है, इसका नेचर कैसा है। अब बेटा इसको देखो ज़रा, मैंने एक सेक्शन कटिंग किया इस प्लांट का, आपको सेंटर में जो दिख रही है इट्स अ डार्क कलर पार्ट इज कॉल्ड हार्ट वुड। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ऐसे रिंग्स बनती जाती है, वो उस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे प्लांट एनाटॉमी, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो उसको, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको सेंटर में जो दिख रहा है पार्ट वो हार्ट वुड है, इसका मतलब है बाहर की तरफ ग्रोथ होगी, इसका मतलब है ये पहले बन चुका वाला पार्ट है, सेंटर में जो बन चुका है वो पहले वाला पार्ट है, जो बाद में बन रहे हैं वो नए नए पार्ट है, यंगर पार्ट है, अंदर है ओल्ड वाले पार्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। अच्छा, एक बात हमें समझ में आ गई डायग्राम देख के कि ये हार्ट वुड वाला ना बीच में मिलेगा, इट्स प्रेजेंट एट द सेंटर। ठीक है, एंड सैपवुड वाला जो इसके अराउंड है वो सारा सैपवुड है। ठीक है, ये सारा सैपवुड है। अच्छा, सैपवुड वाला इज डिस्ट्रीब्यूटेड पेरीफेरली, अगर ये दिख जाए वर्ड आपको तो समझ जाना, पेरीफेरल का मतलब होता है अराउंड, बाहर बाहर है। ठीक है, इस आउटवर्ड की जगह पेरीफेरल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको नीट के एग्जाम में, तो पेरीफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हार्ट वाला सेंटर में है, पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूटेड को सैपवुड बोल दो। ठीक है, हार्डवुड डार्क कलर का है, हैवियर इन वेट है, सैपवुड लाइट कलर का है और लाइट इन वेट है। ठीक, चलो यहाँ पे जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी, मैंने बताया था आपको, वो डेड होगी। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा हार्ड होगी वो डेड होगी, यहाँ पे एक भी लिविंग टिश्यू नहीं मिलेगा आपको, सारे के सारे डेड है। अगर आप जाइलम को देखो बेटा, सारे फोर टाइप के टिश्यू मिलते हैं जाइलम के पास, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, जिसमें से कि सारे के सारे डेड हैं, सिर्फ एक को, कौन सा है वो, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा तो लिविंग है ना, तो इसका इसमें तो कोई भी लिविंग नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम्स जो है वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, उनका पैरेन्काइमा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। तो क्या ये कोई काम कर पाएगा, इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है ना वो कंडक्शन का काम ही नहीं करते, ना ही वाटर का पहुंचाने का काम करेंगे, ना ही फूड मटेरियल्स पहुंचाने का काम करेंगे, ना न्यूट्रिशन, कुछ भी पहुंचाने का कोई काम नहीं कर रहा, ना जाइलम ना फ्लोएम्स।
तो यहाँ पे आप लिखोगे कि टोटली लिविंग सेल्स आर एब्सेंट, लिख सकते हो टोटली डेड है। यहाँ पे क्या होते हैं लिविंग सेल्स प्रेजेंट, कुछ डेड सेल्स भी मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया ट्रैकिट्स और ये सब, कुछ डेड सेल्स हैं कुछ लिविंग सेल्स भी हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखोगे क्या ये हार्टवुड वाला प्लांट के लिए कुछ काम करता है, नहीं, ये सेंटर में सिचुएटेड है, कोई भी लिविंग सेल नहीं है, सारी की सारी डेड सेल है। जनरली ये आपका बना हुआ पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक नॉन फंक्शनिंग है, कोई काम नहीं करता, बट ये वाला जो है सैपवुड ये काम करेगा, क्योंकि प्लांट को तो कंडक्शन तो चाहिए ना, रूट से आपका क्या निकालना है मिनरल्स एंड वाटर्स का प्रोडक्शन करेगा, मिनरल्स एंड वाटर को ऊपर पहुंचाएगा प्लांट की लीफ तक। कौन सा वाला? सैपवुड वाला, याद रखना ये फंक्शनल है बेटा। क्या काम करेगा? सेकेंडरी जाइलम इसका जो है वो काम करेगा, इसका सेकेंडरी जाइलम जो है यहाँ तक जो सेकेंडरी जाइलम पहुँचा है ना बाहर तक, वो काम करेगा। क्या काम करेगा? रूट से वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करवाएगा लीव्स में। ठीक है, यह लिख लेना यहाँ पे। चलो यहाँ पे बताओगे कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड, नहीं हो रहा ना कुछ भी, नॉट फंक्शनिंग है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे कंडक्शन ऑफ अ वाटर यस कैरीड आउट बाय द यंगर पार्ट ऑफ द जाइलम, जो जाइलम के नए नए पार्ट बनते जा रहे हैं ना वो कंडक्शन ऑफ अ वाटर करते जा रहे हैं, जो पार्ट पुराने होते जा रहे हैं वो हार्टवुड के अंदर आते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? जो पार्ट नए बनते जा रहे हैं, ये रिंग्स ना एवरी ईयर बन जाती है, प्लांट की ग्रोथ हर साल होती है, तब तक जब तक प्लांट को जिंदा रहना है तब तक। हमारे में तो एक सर्टेन एज तक होती है ग्रोथ, लेकिन प्लांट में ग्रोथ लाइफ स्पैन तक चलती है। तो प्लांट में हर ईयर एक एक लाइन बन जाती है, इसको कहते हैं रिंग्स, एनुअल रिंग्स। तो इन एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट आई मीन ट्री की आप बता सकते हो कितने साल पुराना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिंग्स बनती जा रही है, तो रिंग्स बनने का मतलब है कि नए नए जाइलम्स बाहर बनते जा रहे हैं, अंदर वाले मैच्योर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, प्लांट का स्टेम जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हार्टवुड निकल कर आएगा। हार्टवुड कैसे क्या करते हैं, साइड साइड वाले सैपवुड को हटा देते हैं। सैपवुड में एक चीज़ और लिखो, सैपवुड कंडक्शन का काम कर रहे हैं ना वाटर एंड मिनरल का। सैप का मतलब ही होता है कोई लिक्विड कंटेन प्लांट में। ठीक है, तो लिक्विड कंटेन का मतलब है सैपवुड ये काम कर रहा है वाटर पहुंचाने का, मिनरल पहुंचाने का। ठीक है, अब ये वाला जो है क्या इसमें पोर्स पोर्स प्रेजेंट होंगे? यस, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होगा, दिस वन हैव अ पोर्स, लिख लोगे इस पॉइंट को भी, हैव अ पोर्स, पोरस वुड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कोई चीज पोरस है क्या वो वाटर के लिए रेसिस्टेंस होगी, या फिर ऐसा सोच सकते हो वाटर के लिए रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रेसिस्टेंस होगी? नहीं, अंदर से जितनी ज्यादा पैकिंग होगी, कोई एयर कैविटी भी ना हो, तब जाके वो रेसिस्टेंस बन पाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, पेस्ट से। तो ये वाली जो है हार्टवुड बिल्कुल टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, तो ये जो है नॉन पोरस वाली है एंड इज रेसिस्टेंस टू, रेसिस्टेंस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जितने भी आपके पेस्ट वगैरह जो होते हैं इस वुड में नहीं लग सकते, हार्डवुड में नहीं लग सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेस्ट से रेसिस्टेंस है, ये इस पे लग सकते हैं, ये खराब हो जाएगा इसका फर्नीचर बना लिया तो, इसका फर्नीचर खराब नहीं होगा क्योंकि ये हाईली पैक है बिल्कुल तरीके से, इसके अंदर पोरस मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, छेद ही नहीं है इसके अंदर, कहीं से एयर जाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, ये जो हार्टवुड है, हार्टवुड क्या कुछ प्रोड्यूस करने का भी काम करता है? ये टैनिन रिलीज करने का काम करता है, रेजिन रिलीज करने का काम करता है, गम रिलीज करने का काम करता है, और ये आपका जो एरोमेटिक वाइल्स होते हैं, एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, खुशबू देने वाले वाइल्स जो होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया आपका, है ना, बहुत सारे वाइल्स होते हैं, तो वो सारे ऑयल्स को भी रिलीज करने का काम इस हार्टवुड का होता है, याद रखना। हार्टवुड रिलीज करेगा क्या क्या रिलीज करेगा बोलो बेटा? टैनिन, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता मैम ये टैनिन है क्या, टैनिन का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, रेनिन, सॉरी टैनिन आपका, और टैनिन का मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, कत्था, कभी आपने पान खाया होगा तो उसमें जो ब्राउन ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना, वो लिक्विड, उसको वो लिक्विड बना देते हैं एक्चुअली,
लेकिन जब वो प्रोड्यूस होता है तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो जो सेल सॉलिड के फॉर्म में जब प्लांट ने रिलीज किया होता है ना उसको, तो लिक्विड होता है, बाहर निकल निकल के सॉलिड बनता जाता है, तो वो होता है टैनिन। टैनिन का एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। उसके बाद गम है, गम जैसे नीम की गम, बबूल की गम, तो वो गम होती है, ठीक है, गोंद जिसको बोलते हैं। तो टैनिन, गम, रेजिन, ठीक है, और एरोमेटिक ऑयल, ये सब रिलीज करने का काम हार्टवुड का है। ये कुछ भी रिलीज नहीं करता, बाहर वाला रिलीज नहीं करता, हालांकि बाहर से निकलता हुआ दिखता है अभी कि बाहर से निकल रहा है, तो हमें लगता है सैपवुड रिलीज कर रहा होगा, नहीं, ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। देखो ऑयल बन रहा है, इसका मतलब है ये वाटर रेसिस्टेंस होगी, वुड ऑयल निकाल रही है ना बाहर, वाटर तो नहीं निकाल रही ना, वाटर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये फर्नीचर बनाने में यूजफुल होती है, क्लियर। तो ये सैपवुड एंड हार्टवुड होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।